नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया समान योजना के लिए सीएम हेमंत ने सभी पेंशन योजनाएं बंद की बीजेपी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बुधवार को धनबाद पहुंचे हैं। यहां वे भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए। इससे पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड का विकास चाहते हैं तो यहाँ भाजपा की डबल इंजन की सरकार बनाए, तभी यहाँ का पूर्ण विकास हो सकता है। उन्होंने कहा है कि मैया समान योजना के लिए राज्य में सभी पेंशन योजनाएं बंद कर दी गई है, जबकि उनकी सरकार आने पर गोगो दीदी के लिए फंड की अलग से व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार रहने पर केंद्र की योजनाओं का सीधा लाभ यहां के लोगों को मिल सकता है। विकास के लिए जो भी फंड केंद्र सरकार देती है उसे राज्य सरकार दूसरे कार्यों में लगा दे रही है, इससे यहाँ के लोग लाभ से वंचित हो जाते हैं। झारखंड की मूल समस्या यहाँ के खनिज संपदा की लूट है। उन्होंने कहा है कि भाजपा की सरकार बनती है तो समस्याओं के समाधान के साथ ही यहां सड़क, रेल, हवाई अड्डा, स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण जैसे कार्यों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा है कि उनकी जनता से अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा की डबल इंजन सरकार को चुने। इस दौरान जिला अध्यक्ष श्रवण राय समेत अन्य मौजूद थे। चंपई सोरेन का दावा, राज्य में 287,000 नियुक्तियां कराएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक्स पोस्ट के जरिए युवाओं को संदेश दिया है। बुधवार को उन्होंने कहा है कि अपने बेदाग राजनीतिक सफर में हमने हमेशा युवाओं, छात्रों, महिलाओं एवं बड़े बुजुर्गों समेत समाज के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। सोरेन ने कहा है कि मुद्दों, शिकायतों को सुनने तथा उसका समाधान तलाशने का प्रयास करता रहा हूँ। हमारे कार्यकाल में दर्जनों डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक तथा अन्य शिक्षण संस्थानों का निर्माण शुरू किया गया था। हमारे अल्पकालीन कार्यकाल के दौरान शुरू की गई विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियाओं को रोकने की जद्दोजहद न सिर्फ आपको बल्कि मुझे भी निराशा किया है। भाजपा में जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तब हमारा मकसद सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को परिवर्तन लाना है। हम एक ऐसी सरकार बनाए जो कैलेंडर बनाकर पारदर्शिता से सभी नियुक्ति प्रक्रियाओं को पूरा कराएगी, पेपर लीक एवं भ्रष्टाचार का कोई स्थान न रहे। भाजपा की सरकार आने के तुरंत बाद 287,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं 5,00,000 युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। राहुल तेजस्वी आ रहे रांची, जेएमएम के साथ सीट बंटवारे पर होगी डील। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर 18 अक्टूबर को बैठक होगी। उसी दिन राजद नेता तेजस्वी यादव रांची आएंगे। कांग्रेस और वाम दलों के नेता भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ होगी। सहमति बनी तो उसी दिन शेयरिंग पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। बता दें 19 अक्टूबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी रांची आएंगे। बैठक में सीटों को लेकर बनी सहमति से उन्हें अवगत कराकर उसकी घोषणा कर दी जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा कर देगा। झामुमो ने भाजपा चुनाव आयोग को बताया बंटी और बबली। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में भाजपा और आयोग को बंटी बबली करार देते हुए तंज कसा है। उन्होंने बुधवार को कहा है कि जिस प्रकार बंटी और बबली मूवी में दोनों की जोड़ी ताजमहल बेच देती थी, उसी प्रकार भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहते हैं। चुनाव का शेड्यूल इसे प्रमाणित करता है। इसकी पटकथा असम में लिखी गई और मुहर दिल्ली भाजपा मुख्यालय में लगी। चुनाव आयोग ने सिर्फ इसे जारी किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिरकार एक ही जिले में दो अलग अलग तिथियों में चुनाव कराने का निर्णय क्यों किया गया। क्या ये लोग बहुत अधिक बुद्धिमान हैं और शातिर हैं और देश में सारे लोग बेवकूफ़ हैं। मांडू, रामगढ़, खिजरी और सिल्ली की चुनाव तिथि पर नज़र डाली जाए तो सारी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। ये विधानसभा सीटें निकट के किस विधानसभा के चौहद्दी को छूती है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई मेडिकल सेवाएं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले पर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन और दी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर SNMMCH में जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे। सुबह से ही जूनियर डॉक्टरों ने OPD के मुख्य गेट को बंद कर दिया। OPD के बाहर जूनियर डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इनके समर्थन में सीनियर रेजिडेंट और अन्य चिकित्सक भी पहुंचे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपना नैतिक समर्थन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह भूख हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि कोलकाता की घटना बेहद ही निंदनीय है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया, CBI की जाँच भी समय से परे है।
उन्होंने कहा कि कोलकाता में 170 घंटे से ज़्यादा वहाँ के डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को देश भर में नैतिक समर्थन दे रहा है। गोड्डा से आनंद विहार के लिए चलेगी साप्ताहिक ट्रेन। गोड्डा से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली तक जाने वाली साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन 14049 अप का नियमित परिचालन बुधवार से शुरू हो गया है। उक्त ट्रेन बुधवार को पहली बार गोड्डा से सुबह 10 बजे दिल्ली के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वाया ककनी, देवघर, जसीडी, मधुपुर, गिरिडीह, जमुआ, धनवार, कोडारमा, मुगलसराय होकर रवाना हुई है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से यह ट्रेन मंगलवार को अपने निर्धारित समय शाम 3:45 पर गोड्डा पहुंची। मंगलवार तक सामान्य स्लीपर क्लास की ट्रेन में सुरक्षित 480 सीटें में 399, थ्री टीयर एसी इकोनॉमी में सुरक्षित सीट 320 में 287 और थ्री टीयर एसी 144 सीट में 106 बुकिंग पूरी हो गई थी। बाबूलाल ने बताया कब होगी प्रत्याशियों की घोषणा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मांडी ने कहा है कि 1-2 दिनों के अंदर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। प्रदेश नेतृत्व ने झारखंड के राजनीतिक हालात और प्रत्याशियों के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है। अब इस पर केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। 1-2 दिनों के अंदर आप सभी को शुभ समाचार मिलेगा। दिल्ली से लौटने के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मरांडी ने कहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग पर केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। इसको लेकर सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है। जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बाबूलाल मरांडी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेकर वापस रांची लौट आए हैं। पलामू पुलिस ने 6 लाख की अवैध शराब बरामद किया। पलामू जिले के पणवा पुलिस ने अवैध तरीके से शराब बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 6 लाख रुपए का अंग्रेजी शराब बरामद किया है। यह जानकारी पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार सिंह एवं पणवा थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने संयुक्त रूप से दिया है। थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन के निर्देश पर दिन व रात में गश्ती बढ़ा दी गई है। मंगलवार की रात पुलिस पड़वा वन विभाग के नाका के पास गश्ती पर थी। इसी दौरान पड़वा मोड़ के तरफ से मेदिनीनगर के तरफ आ रहे पिकअप वाहन को संदेह के आधार पर पुलिस ने रुकवाने का इशारा किया, लेकिन चालक वाहन नहीं रुका। पुलिस ने जब वाहन का पीछा किया तो पकड़े जाने के डर से पड़वा मध्य विद्यालय के पास वाहन खड़ा कर चालक अंधेरे का लाभ उठाते हुए फरार हो गए। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार का निर्देश, चुनाव खर्च पर रखे पैनी नजर। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने बुधवार को वाणिज्य कर पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया है कि चुनाव के दौरान किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते, चुनाव खर्च की मॉनिटरिंग करे और पैनी नजर रखे। इसमें चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करें और इस दिशा में कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने चुनाव के दौरान कुशल व्यय प्रबंधन की जानकारी भी दी गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी वाणिज्य कर पदाधिकारियों से कहा है कि चुनाव अवधि में कर वंचना पर अंकुश लगाने एवं चुनाव खर्च की मॉनिटरिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करें एवं आवश्यक कार्रवाई में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में दिन भर सीएस की गिरफ्तारी की होती रही चर्चा। देवघर स्वास्थ्य विभाग में पहली बार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग में पहले भी अधिकारियों कर्मियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में विभागीय जाँच के बाद मामले ठंडे बस्ते में चले जाते थे। इस बार मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तक पहुँचा है, जिसने तुरंत कार्रवाई करते हुए देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डॉक्टर रंजन सिन्हा गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम उन्हें सिविल सर्जन कार्यालय लेकर गई, जहां जरूरी कागजाती कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें अपने साथ ले गई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में दिन भर हलचल बनी रही। सरकारी और निजी चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी सभी इस मामले की चर्चा करते रहे। कुछ कर्मियों के चेहरे पर इस गिरफ्तारी से खुशी भी झलकी दिखी। वहीं इस घटना के कारण दिन भर विभाग में किसी भी कार्यालय में कोई कामकाज नहीं हुआ। चुनाव में प्रत्याशी 40 लाख तक कर सकेंगे खर्च। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। सभी राजनीतिक दलों एवं चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इसका उन्हें अनुपालन करना है। प्रत्याशी चुनाव में 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। वहीं सुविधा एवं प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया में काफ़ी मददगार है। बुधवार को ध्रुवा के निर्वाचन सदन में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रहे थे। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में सभी के लिए समान अवसर प्राप्त हो, इस उद्देश्य से हर प्रत्याशी के लिए चुनाव के दौरान 40 लाख रुपए की खर्च सीमा तय की गई है।
प्रत्याशियों के खर्च में पारदर्शिता लाने के लिए खर्च की ब्यौरा पंजी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करानी होती है। इस पंजी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उनके कार्यालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाता है। लातेहार से 6 उग्रवादी गिरफ्तार। लातेहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनका थाना क्षेत्र से एक साथ 6 उग्रवादी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के निशानदेही पर 4 AK-47, 1 देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल और 4 नक्सली वर्दी जब्त किया गया है। मामले में बरवाड़ी प्रक्षेत्र के SDPO वेंकटेश कुमार ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक को अपराधियों की जमावड़ा होने और किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की सूचना प्राप्त हुई। इसके बाद स्पेशल टीम गठित कर उक्त इलाके को घेराबंदी कर तलाशी ऑपरेशन जारी किया गया। इसी दौरान गुजुर गांव के एक मकान से 6 लोगों को पकड़ा गया है। झारखंड में 17 और 18 अक्टूबर को भारी बारिश। झारखंड में बदलते राजनीतिक समीकरण के साथ ही मौसम का भी मिजाज बदल गया है। नेताओं का इधर से उधर आना जाना लगा हुआ है। इसी तरह बेमौसम बारिश भी हो रही है। बुधवार को रांची सहित विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। मौसम केंद्र ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन की वजह से मौसम ने करवट ली है। इस कारण बादल छाए हुए हैं और बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 17 और 18 अक्टूबर को भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई, वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। 17 अक्टूबर को रांची सहित देवघर, धनबाद, गोड्डा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 18 अक्टूबर को भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन दो दिनों तक बादल छाए रहेंगे। 19 अक्टूबर से मौसम साफ हो जाएगा। झारखंड भाजपा की पहली सूची में आज 40 नामों की घोषणा संभव। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान गुरुवार को कर सकते हैं। पहली सूची में 40 से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किए जाने की संभावना है। वहीं दूसरी सूची भी 2 से 3 दिनों के भीतर जारी किए जाने की उम्मीद है। मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 68 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर विचार किया गया था। बैठक के दौरान रांची, सिमरिया, पोडियाहाट, हटिया और बड़कागांव को होल्ड पर रखा गया है। वहीं पार्टी के द्वारा जिन 40 से अधिक सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा चुके हैं, उनमें अधिकांश बदलाव की संभावना है। बुधवार को भी दिल्ली में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के चयन पर बैठक हुई। इस बैठक में हुए निर्णय के तहत महाराष्ट्र और झारखंड की पहली सूची जारी होगी। बाबूलाल मांडी ने कहा है कि सीट शेयरिंग पर आलाकमान का फैसला ही अंतिम होगा। विपक्ष ने 20 वर्षों में झारखंड को पिछड़ा बनाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा है कि उन्हें पता है कि अभी भी कई क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। विपक्ष ने 20 वर्षों तक राज्य को इतना पिछड़ा बनाया कि उसे आगे ले जाने के लिए अभी कई गुना जोर लगाना है और यह जोर हम मिलकर लगाएंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें भाजपा और विपक्ष के धनतंत्र, झूठ, साजिश और समाज को तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ मिलकर लड़ना है। आपके विश्वास और समर्थन के साथ हम मिलकर समृद्ध, विकसित और खुशहाल झारखंड का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।